जेएमएस ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन सहापुर के तत्वावधान में शुक्रवार को होली मिलन समारोह का आयोजन बड़े ही धूमधाम से किया गया। होली मिलन समारोह के उपलक्ष्य में जेएमएस ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के सचिव डॉक्टर रोहन सिंगल, मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर आयुष सिंगल, महानिदेशक प्रोफेसर डॉक्टर सुभाष गौतम ने संस्थान के सभी स्नातक और स्नातकोत्तर के छात्र छात्राओं, प्राध्यापकों और स्टाफ को होली की शुभकामनाएं दी। संस्थान के महानिदेशक प्रोफेसर डॉक्टर सुभाष गौतम ने जानकारी देते हुए बताया कि संस्थान के मैनेजमेंट ने छात्र छात्राओं, प्राध्यापकों और स्टाफ के लिए डीजे, गुलाल और जलपान आदि की समुचित व्यवस्था की है। संस्थान की कल्चरल कमेटी की अध्यक्ष पारुल चौहान और सभी सदस्यों ने पिछले सप्ताह से अनेकों सांस्कृतिक कार्यक्रमों का अभ्यास छात्र छात्राओं को मान्यता के साथ कराया। छात्र छात्राओं ने डीजे पर डांस करते हुए अपनी अपनी खुशी का इजहार किया। संस्थान में अध्ययनरत छात्राओं ने होली की थीम विषय पर अपने अपने प्रस्तुतिकरण देते हुए सभी का मन मोह लिया। संस्थान के मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर आयुष सिंगल ने बताया कि जेएमएस ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस प्रत्येक पर्व को अपने छात्र छात्राओं, स्टाफ, प्राध्यापकों और अधिकारियों के साथ परिवार की तरह सेलिब्रेट करता है। सचिव डॉक्टर रोहन सिंगल ने कहा कि होली आपसी प्रेम और सामंजस्यता का पर्व है। संस्थान द्वारा होली मिलन समारोह के आयोजन का मुख्य उद्देश्य छात्र छात्राओं के बीच आपसी प्रेम, सामंजस्यता, मित्रता आदि की भावना जागृत करना है। संस्थान के सभी विभागाध्यक्षों ने अपनी टीम के साथ छात्र छात्राओं के द्वारा एक से बढ़कर एक स्टॉल प्रदर्शन में भी पूर्ण सहयोग किया। संस्थान के मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर आयुष सिंगल, सचिव डॉक्टर रोहन सिंगल, संस्थान के महानिदेशक प्रोफेसर डॉक्टर सुभाष गौतम ने निर्णायक मंडल के द्वारा जारी परिणाम के आधार पर बेस्ट स्टॉल्स के विजेताओं को प्रमाण पत्र देकर पुरस्कृत किया। होली मिलन समारोह को सेलिब्रेट करने में जेएमएस ग्रुप के प्राचार्य, टीम, विभागाध्यक्षों, प्राध्यापकों और स्टाफ का पूर्ण सहयोग रहा। जेएमएस ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के मैनेजर गौरव शर्मा और प्रशासनिक अधिकारी पवन शर्मा ने होली मिलन समारोह की सभी व्यवस्थाओं को सुव्यवस्थित ढंग से मुहैया कराया। कार्यक्रम के अंत में संस्थान के महानिदेशक प्रोफेसर डॉक्टर सुभाष गौतम ने मैनेजमेंट का आभार प्रकट किया।